जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध तभी खत्म होगा जब एक पक्ष हार मान लेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए समय समय पर कुछ नुकसान सहने के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई से पुलिस के पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, वहाँ पे मैंने ये अपनी बात ये रखी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस मुकद्दस दिन पर जहाँ पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए, उसी पैगाम को सामने रखते हुए और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नज़र में है या जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज़ को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए, कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी ख़त्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज़ को मान जाए कि इसमें कोई किस फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे हाथ के हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे, पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे। सर, सुनोपाल होने वाली है, काउंटर इंसर्जेंसी कोऑर्डिनेशन में कितना है आर्मी और पुलिस का, खासकर एलओसी पे सर, इसमें ज्यादा मुझे इंफिल्ट्रेशन दिखा। अभी हर स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी, ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती।